ऐसे ऐसी जगह ना अल्मोड़ा जाते हुए बहुत सारी पड़ती हैं, और देखो क्या व्यू है। तो ये है पूरा मंदिर कैंपस, ये मेन मंदिर है सामने जो सूर्य मंदिर है, और ये ऐसे ही घूमते हुए पिंचर वाली रोड की जो रोड जा रही है, अभी पिंचर की तरफ जा रही है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा सा लगा देखने में, तो हम लोग यहाँ पे आए, अंदर आके देखा, इनके पास कॉटेजेस हैं और ये इतना सुंदर बना हुआ है ना, मतलब जिस तरह से इन्होंने बना रखा। काफ़ी देर हो गई, कुछ खाया नहीं, तो सोच रहे कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लेते हैं। तो अभी हम यही रुके, मंदिर से 100 मीटर आगे होगा शायद, ही ज़्यादा आगे नहीं है। एक्चुअली हम लोग देख, जैसे हम निकल के जा रहे थे कसाड़ देवी से, तो एकदम देख के अट्रैक्शन सा लगा और हम लोग रुक गए। तो ये इंट्रेंस ही इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब जैसे प्यार सा हो गया जगह से, ऐसा लग रहा है। और यहाँ बुक्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा सा लग रहा है मेरे को देख, मतलब बुक्स का कलेक्शन है अच्छा बुरा तो मुझे नहीं पता। I'm saying कि पहाड़ों में अगर इतने अच्छे कैफेज वगैरह देखने को मिलते हैं तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग उसी के लिए घूम भी रहे थे, तो हमें लगा कि यहाँ पे आकर काफी वो हो जाएगा, दूर होगा, इसलिए हम आए नहीं थे, मॉल रोड रुक गए थे। लेकिन मुझे पता होता ये इतना अच्छा है, के अलावा नीचे दो प्राइवेट रूम्स हैं। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ डॉर्म्स एज वेल, सो इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 12, सो दैट्स अ बंक बेड, सो एक रूम में 6 बेड हैं। ऑर्डर कर रहे हो कॉफी? यस, क्योंकि कॉफी की नीड है और हम लोग कॉफी के लिए ही यहाँ पे रुके हैं। तो रवि तो कॉफी पी रहे हैं, बट मैं अभी चाय, मैं तो चाय ही पीऊंगी, आई एम अ टी लवर पर्सन। और ये है इनका मेन्यू, बोल रहे हैं कि अभी टेम्पररी है। तो अभी हम लोग आप लोग को हॉस्टल और जो भी मतलब यहाँ का स्टे का ऑप्शन, स्टे के ऑप्शंस हैं वो दिखा देते हैं। कसाड़ देवी के सबसे ज़्यादा पास में है ये, और आपको जस्ट 5 मिनट्स वॉक, हाँ, और आपको अलग ही फील आएगी यहाँ पे, मतलब दिस इज डॉम्स, काफ़ी सही है, अच्छा है यहाँ पे, इसका भी एक अलग ही अपना मजा है। हाँ ये है सेपरेट रूम, हाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोजी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिसको भी आना आ जाओ, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। काफी मतलब हम लोग कसाड़ देवी से 2 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमें दिखा, मुझे मतलब जो भी हमें अभी तक समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि मतलब ये कुमाऊं से काफी अलग ही लग रहा है, हमारी साइड का जो एरिया, मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कैमरे में कि नहीं मतलब बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन जो इसका फील है ना वो बिल्कुल अलग है। आप यहाँ रहे ना कसार में, तो सच में वर्थ इट है। 200-400 रुपए महंगा जरूर होगा, लेकिन जो यहाँ का मतलब व्यू है, फील है, वाइब्स है, वो एकदम डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट, अलग सा लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, बस हम घूम रहे हैं। द मोक्ष रिट्रीट। वैसे तो हम यहाँ थोड़ा कुछ किसी काम से आए हैं, और अगर आए हैं तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये कसार देवी से 2 या 1.5 किलोमीटर आगे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। आप लोगों को लगता होगा मुझे सारी प्लेसेस पसंद आती हैं, हाँ तो जो अच्छा होता है वो मुझे पसंद ही आता है, और हम आप लोगों को बिल्कुल सही और सच बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग आएँ तो आपको लगे हाँ सही बताया गया ब्लॉग में। बाबा शिव बाबा को, वाओ दिस इज रियली ब्यूटीफुल प्लेस, लाइक दिस वॉच टावर भी है, हाँ मामी जाके देख सकते हैं।
तो काफी अच्छा बना हुआ लग रहा है यहाँ पे, काफी अच्छी जगह लग रही है। ये रूम्स हैं यहाँ के और ये यहाँ का व्यू है। वाव, ये रूम्स हैं और ये रूम के सामने का व्यू है। सच में मजा आ गया। तो एक्चुअली हम लोग आए थे मोक्ष रिट्रीट, ऐसे ही घूमते हुए बिनसर वाली रोड, ये जो रोड जा रही है आगे बिनसर की तरफ जा रही है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे और हमें कुछ अच्छा सा लगा देखने में, तो हम लोग यहाँ पे आए, अंदर आके देखा, इनके पास कॉटेजेस हैं और ये इतना सुंदर बना हुआ है ना, मतलब जिस तरह से इन्होंने बना रखा है कॉटेजेस, और पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है, मतलब यहाँ से ना आसपास का सारा व्यू ले सकते हो। ये ऐसी जगह है, इधर पीछे का व्यू भी ले सकते हो इस साइड का, और ये देखो इस साइड भी देख सकते हो आप, मतलब इस जगह पे आप अगर यहाँ रुकते हो मोक्ष रिट्रीट और ये देखते हो ये सब जगह, तो आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ से आप सब तरफ का देख सकते हो, और ये इनके कॉटेज बने हुए हैं, नीचे भी हैं, यहाँ पर भी हैं, और ये जगह जगह इन्होंने बीच में अपनी चेयर्स डाल रखी हैं, जैसे ये पड़ी हुई है बैठने के लिए। तो यहाँ पर तो मतलब सीरियसली बहुत अच्छा वाला मज़ा वाला फील है यहाँ पे। तो ये जो सामने वॉच टावर है, शायद ये भी इन्हीं का ही है, तो इस पे जाके शायद और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आ सकता है। जुलाई अगस्त में तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी फुल रहती होगी यहाँ पे, फुल ऑफ ग्रीनरी रहता होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मोक्षा में इनके पास स्कूटी है और बुलेट भी है, तो अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको स्कूटी 500 रुपये रेंट के हिसाब से मिल जाएगी, और अगर आपको बुलेट चाहिए तो वो 1000 रुपये रेंट के हिसाब से मिल जाएगी, और जिससे कि आप आराम से मतलब घूम सकते हो, लोकल तो काफी एक्सप्लोर कर सकते हो, स्कूटी का ऑप्शन काफी अच्छा है। लोग अल्मोड़ा से निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा ऐसे ऐसी जगह है ना, अल्मोड़ा जाते हुए बहुत सारी पड़ती हैं, और देखो क्या व्यू है, क्या नजारे हैं, है ना। रास्ता है, रास्ता गया सूर्य मंदिर कटारमल, सूर्य मंदिर कटारमल का रास्ता यहाँ से 300 मीटर है। 300 मीटर है, मेरे को लगा 3 किलोमीटर सिर्फ। 300 मीटर गेट बन रहा है, चल रहा है कंस्ट्रक्शन गेट पे सूर्य मंदिर के लिए। ये मंदिर आ चुके हैं हम लोग, और रिजोर्ट भी यहाँ पे कुछ अलग ही चले बने हुए हैं। तो ये रास्ता यहाँ से शुरू होके और ये पूरा गांव क्रॉस करके, और दिखाओ मंदिर कहाँ पे, वो लोग दिख रहे हैं चलते हुए, और वो है मंदिर, ये है सूर्य मंदिर। और हिंदू देख के करिए मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, और देखना कितनी दूर है, ये देखो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ चढ़ाई शुरू करेंगे, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। और हम लोग मैगी खाने के लिए रुके हैं, और अभी यहाँ पे अभी जो लोकल में रहते हैं, लोकल वाले, उनसे बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, बहुत सारी जगहों के बारे में बता रहे हैं वो लोग। जो ऊपर दिख रहा है वो, तो लेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, कुछ लेट नहीं होता। अच्छा, काफी लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या अच्छा है। अभी के हाथ में क्या है, कोयला, ये कोयला है, लोकल पिरुल जो पड़ी रहती है ना घास, हाँ। रोड के साइड में उससे बनाया हुआ है, इसमें धुआं नहीं होगा, और इससे ये कोई हार्मफुल नहीं है, ये गैस भी नहीं बनेगी, हाँ ये ऑर्गेनिक है। अच्छा। गैस भी नहीं बनेगी, आप अगर रूम में जलाते हो तो ये सबसे अच्छा। सर रूम में वो जलाते कोयला तो उससे वो हो जाता है ना, बचने का भी नहीं होता, दो ढाई घंटे चलता है। अरे वाह, वो सर्दी में रूम में जाकर रख लो इसको, और हीटर के पैसे बचा लेंगे। ये दिल्ली नोएडा कहाँ कहाँ तक चले गए, चले गए। तो ये पिरुल से कैसे बनाया होगा आपने? ये मशीन से बनता है। अच्छा, पिरुल हुआ ना, इसको जलाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। गड्ढे में ऊपर से ढक दिया टीन से। अच्छा, टीन से ढकने के बाद फिर मिट्टी छान ली। अच्छा, मिट्टी और इसको मिलाया, इसका खांचा होता है, खांचे में डाल दिया, जैसा आटा गोते हैं वैसे गोद के इसको खांचे में रख दिया। अच्छा, पलटी। तो पहले मैगी खाई, चाय पी, तब जाके मतलब कुछ एनर्जी आई है बॉडी के अंदर, तो मतलब पहुंचने के लायक, क्योंकि हम लोग सुबह से घूम ही रहे हैं और कुछ खाया ऐसा खास है नहीं, डिहाइड्रेशन फील, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और वीकनेस भी फील हो रही थी, इसलिए सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। तो जो जहाँ पे मैगी खाई वहाँ पे हमें बस अच्छा आराम ने मैगी खा के, क्योंकि हमें जानकारी बहुत सारी मिली लोकल की चीज़ों की, और दूसरा ऊपर जो बैठते हैं
जो आर्कोलॉजिस्ट में उनका एक का नंबर मिला है, तो उन्होंने बताया कि वो हमें अच्छे से गाइड करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे मंदिर के बारे में, और मंदिर के ऊपर TRC है, वहाँ का रास्ता ही बताएंगे। ये रास्ता जो है ना गांव के बीचों बीच से निकल रहा है, तो आपके गांव, आपको गांव के घर देखने मिलेंगे। और देखो ये गांव के घर देखने मिलेंगे जो बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता तो बहुत प्यारा सा है, गांव के बीच से निकल के अच्छे से सुंदर सुंदर रास्ते, ये लिखा प्रवेश द्वार इधर से है। दूर कहाँ है यार इनको, देखो कहाँ थे हम, कितनी जल्दी आ गए हम, देखो वहाँ से आ रहे हैं। हाँ मतलब दूर देख के लग रहा था नीचे से बहुत दूर है, हम वहाँ से आ रहे हैं जहाँ वो गेट है ना, लेकिन उन्होंने बताया कि सिर्फ 200 मीटर है, ये दूर घूम के लग रहा है ऐसा कि दूर है, मतलब अगर जब वहाँ से इतनी ऊंचाई पे देख रहे हैं ना तो बहुत दूर लग रहा है, लग रहा हाँ, लेकिन चल गया दूर नहीं लगा। सो गेट यहीं सही है, अंदर ही होगा ऑप्शन उतारने का भी। ये है गेट मंदिर का, इधर है सूर्य इधर। तो ये है पूरा मंदिर कैंपस, ये मेन मंदिर है सामने जो सूर्य मंदिर है, और ये बाकी छोटे छोटे मंदिरों का समूह है बना हुआ, जैसे जागेश्वर धाम में है उस तरह से। लेकिन जो ये हाँ हाँ, लेकिन जो ये मेन मंदिर है ना ये बहुत बड़ा है, मतलब आसपास के मंदिरों में शायद इतना बड़ा मंदिर इस तरह की शैली बना हुआ नहीं है। शैली खास बात है कुछ, देखो पत्थरों को अरेंज करके बनाई गई है। जागेश्वर धाम की वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह के पत्थर, इसी तरह की शैली बने हुए मंदिर दिखेंगे, और यहाँ भी सेम वैसा ही है। ये यहाँ पर ना समस्त देव देवता हैं, यहाँ पर छोटे बड़े मिला के टोटल 45 मंदिर का समूह है। अच्छा। बड़े मंदिर में भगवान सूर्य देव की मूर्ति स्थापित है, इस मंदिर मेन मंदिर में, मंदिर मेन मंदिर में यहाँ पर भगवान सूर्य के साथ समस्त देव देवता हैं। अच्छा। जो बाहर जो मंदिर है इन सारे देवी देवता सब भगवान सूर्य की आराधना कर रहे, जितने भी देव देवता है ना। अच्छा। यहाँ से बहुत पहले मूर्ति चोरी हो गई थी राजा की, थी अष्ट धातु की। अच्छा। बोलते थे पूर्ण राजा। हाँ। वो मूर्ति चोरी हुई तो गवर्नमेंट द्वारा सारी प्रतिमाओं को अंदर रखा सुरक्षा के दृष्टि से, सारी प्रतिमाएं अंदर रखी है सारी, उसी वजह से। उसमें कुछ खंडित भी हैं, उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं खंडित हैं। हाँ। और सभी अभी सुरक्षा के दृष्टि अंदर रखे, उसके जो मेन दरवाजे हैं वो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। अच्छा। पुरातत्व विभाग द्वारा अंदर रखे गए हैं ना। फिर यहाँ पर मेन भगवान सूर्यदेव है, पद्मासन में बैठे भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु। अच्छा। ये वैसे भारत में सूर्य के मंदिर तो और भी है, जो विश्व विख्यात मंदिर है फेमस कोणार्क टेम्पल, उसमें दो मंदिर का जिक्र अधिकता ज्यादा होता है। एक तो सन टेम्पल उड़ीसा कोणार्क, उत्तर भारत का कटारमा सूर्य मंदिर। हाँ। फिर यहाँ पर विशेष क्या है ना, ये यहाँ पर ईस्ट फेसिंग का है, सामने आप देखो। अच्छा, ईस्ट फेसिंग है ये। हाँ, सामने पूरब दिशा है, तो वहाँ से सीधे सूर्य निकलते हैं, सनराइज होता है। हाँ, तो वहाँ से सीधे भगवान जी में पहली रेस सीधे मूर्तियाँ पड़ेगी, पहली किरण। अच्छा। इसी को सन टेम्पल भी कहा गया है ना। अच्छा। तो आपको जाला सामने बना है, एक खिड़की बनी है छोटे मंदिर में आगे। अच्छा, बीच में जो दिख रही है वो छोटी सी, आगे जाके देख सकते हो आप उसको। हाँ। जी, ये वाली जो खिड़की है, इससे सूर्य किरण आती है जी, इससे पहले किरण सीधे भगवान में पड़ेगी ना। अच्छा। इसीलिए वो सन टेम्पल भी कहा गया है, इसको बनाया था कत्यूरी राजवंशों ने। हाँ, कत्यूरी नागर शैली बनी हुई है ना, कत्यूरी नागर शैली स्टाइल में है। हाँ। वैसे इसको कत्यूरी पैटर्न में बोला जाता है। अच्छा। तो ये उत्तर भारत का विश्व विख्यात मंदिर है, इसको बनाया था कत्यूरी देव पटाल में नरेश बराज मंदिर की स्थापना की गई थी 1100 साल पहले। अच्छा, 1100 साल पहले। फिर यहाँ पर विशेष ये है ना, भगवान सूर्यदेव यहाँ पे स्पेशल क्या है बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र हिसाब से भगवान सूर्य की जहाँ भी मूर्ति रहती है अधिकतर भगवान सूर्य ना चलायमान माने जाते हैं, रथ पे भ्रमण करते रहते हैं सात घोड़ में। तो यहाँ पर भगवान सूर्य सात घोड़ के साथ पद्मासन में बैठे हैं साधना में, उनके साथ नौ ग्रह भी बने हैं इसी मूर्ति में। अच्छा। तो भगवान सूर्यदेव बैठे हुए आसन बात के। अच्छा। उनके हाथ में शंख चक्र गले की माला, कान के कुंडल, पूरे साधना में पूरे श्रृंगार में भगवान सूर्यदेव बैठे हुए हैं। हाँ। फिर भी मंदिर को बोला जाता है बट आदित्य। अच्छा। जो मंदिर की जो स्थापना की गई थी बड़ा आदित्य के नाम से की गई थी। ओके। पीछे बरगद के पेड़ के तना में भगवान सूर्य का आह्वान किया गया है बड़ा आदित्य के नाम से, तो इस मंदिर को बड़ा आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी, बड़ा आदित्य। अच्छा। कत्यूरी किद्वंती के अनुसार कहा गया कि मंदिर का निर्माण ही अर्ध निर्मित है, ऊपर का हिस्सा ना। हाँ, पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। ये कहते हैं कि जो उस समय जो कत्यूरी जो राजवंश था। हाँ। वो अधिकतर मंदिर का निर्माण और ये रात में क्या करते थे। अच्छा, सिर्फ रात में क्या करते थे जी। बताया जाता है ना कत्यूरी राजा जो थे बहुत ही अध्यात्म राजा रहे। हाँ। ये सोचते थे किसी राजा का अगर मंदिर बनाना है तो ये रात का टारगेट थे। और ये है मंदिर, यहाँ से
इतना बिल्कुल ऊंचा। तो हम मंदिर की परिक्रमा भी कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रहे हैं कि मंदिर कैसा बना हुआ। ये देखो देवदार के पेड़ फूल, ये एक्चुअली देवदार का पेड़ है सामने जो है, इस पे फूल नहीं आते हैं। ये कोई और बेल है जो इस पे चढ़ गई है, तो इस वजह से ये फूल दिख रहे हैं, वरना हाँ वरना ऐसा नहीं होता है। तो ये है पूरा मंदिरों का समूह। वर्ड्स के लिए है वो, हाँ उस पर चिड़िया होंगी, आ जाती होंगी ना रात में, बीच में दिख रहा होगा आपको। ये है नेस्ट बना हुआ है। तो ये देखो ये मंदिर ही मंदिर है, छोटे बड़े हाँ सब ही पूरा ही है। ये देखो ये मंदिर ही मंदिर हैं, पर सब खाली हैं, बने हुए सारे एक ही स्टाइल में हैं लेकिन अभी सब खाली हैं। ये ईस्ट फेसिंग है, सामने से सूर्य देवता निकलते होंगे यहाँ से, और जो ये मंदिर है, अब इस मंदिर के बीचों बीच ये बना हुआ है झरोखा टाइप का, और यहाँ से पहली जो किरण है सूरज की, सूर्य देवता की, वो सीधी मंदिर के अंदर पहुँचती है, जो मूर्ति है बिल्कुल वहीं पर पहुँचती है। अच्छा तो सूर्य मंदिर घूम लिए, आज का दिन हो चुका है ख़त्म, अब चलते हैं द्वारा हाट, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे। कल मंदू जाएगी स्कूल और मैं बैठूंगा अपना काम करने के लिए। सैटरडे संडे घूमने में मतलब अलग ही फन है, पर थोड़ा क्राउड रहता है वो अलग बात है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हो सुन रहे हो हमें, रुक जाओ वो चलता जाएगा ना फिर, तो अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हो सुन रहे हो मैं, तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अपनी थॉट्स आप बताया करो कमेंट में कि ये अच्छा लगा या बुरा लगा, कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप क्वालिटी कैसी आ रही है, मतलब अभी आपको अच्छा लगता है, आप 4K में देखा करो वीडियो, क्योंकि हम लोग 4K में बना रहे हैं तो 4K में भी देखा करो, ताकि अच्छे कलर अच्छी क्वालिटी दिखे आप लोगों का। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपको जल्दी ही किसी नई वीडियो में, नई जगह आपको लेके चलेंगे ज़रूर, है ना। तो हमारा सेशन रहेगा एक बार कसार देवी जरूर घूम के आना, और सूर्य मंदिर भी देख के जाना, अच्छी जगह अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।